मैजिक स्कॉर्पियो के बीच हुई भिड़ंत से बुलेट सवार पोत्र व दादी की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बरेली में फसल को काट कर पड़ोस के खेत में रखने पर हुई कहा सुनी। दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर की मारपीट। 3 लोग घायल। घायलों का CHC बहेड़ी में चल रहा इलाज। थाना बहेड़ी के गांव दौलतपुर का मामला। आता हसिया डंडा सारी चीजें लेके आए और हम इतनी देर में आ गए थे अपने घर में अंदर और हमारे घर में अंदर आकर मारपीट करी। फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों ने पूरे दम खम के साथ नामांकन किया। गुरुवार को आखिरी दिन नामांकन करने को उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं रजनीश यादव ग्राम जेवड़ा वार्ड नंबर 26 से नामांकन किया। बरेली में मंगलवार की देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से पत्नी की मौत। वहीं पति गंभीर रूप से घायल। पति को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने मृतका का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नरेश कैसे? गोंडा में मामूली विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोकलपुर गांव का है मामला। जो है भर्ती कर लिया गया, उसको इलाज चल रहा है। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र रिछौला में मंगलवार को कांग्रेस नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी इस्लाम बब्बू ने किफायतुल्ला गांव में जनसंपर्क कर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। अंसारी साहब के लिए वोट मांगने की अपील करने के लिए हम और हमारे पूर्व कैंट से नवाबगंज विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं हाजी इस्लाम बब्बू साहब। बरेली के रसिया स्टेशन के पास देर शाम अपने घर से टहलने के लिए निकले अधेड़ की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। थाना बत्री चैनपुर के गांव सैदपुर का था निवासी। कैसे क्या घटना हुई थी? रेलवे लाइन से कटे। कहां पर कटे थे? मानपुर के रविया के बीच। अंबेडकर जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र टांडा के अंतर्गत मुबारकपुर में DM एवं प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही खुलेआम धज्जियां। बरेली में नवरात्र और रमजान के मौके पर समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमशी ने आमजन को मास्क बांटे। कहा जिला अस्पताल को कोरोना काल में अस्पताल गेट पर बचाव के लिए मकुल व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बरेली के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती व पार्टी में शामिल हुए नेताओं का भव्य स्वागत हुआ। पार्टी के कार्यालय पर और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।